हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 12 की इंग्लिश का पोएट्री का पार्ट, चैप्टर नंबर 2 है फ्रेंड्स, लेसन है 2। ओके, और इसका पढ़ने वाले हैं हम सेंट्रल आइडिया, और यह है पोएम नंबर 2। पोएम नंबर 2 कौन सी है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसका पढ़ने वाले हम सेंट्रल आइडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया होने वाला यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, और इसके राइटर हैं ऑथर हैं स्टेफन स्पेंडर। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझिए इस सेंट्रल आइडिया को। इस पोयम में द पोइट जो कवि हैं, कौन है? स्टेफन स्पेंडर एक्सप्रेसिस व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जब वर्ब में एस या ई एस आ जाए तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो इसमें आ गया एस, ई एस आ गया ना। तो स्पेंडर एक्सप्रेसिस, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना, तो स्पेंडर एक्सप्रेसिस ये व्यक्त करते हैं, ता है ती है ते हैं पढ़ेंगे ना। ओके, तो ये व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? द पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, मतलब बहुत बुरी कंडीशन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं किसकी, देखिए आगे बताएंगे। पिटिएबल कंडीशन को व्यक्त करते हैं ऑफ द पुअर, किसकी? गरीब होगी, गरीब चिल्ड्रन की। तो जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनकी कंडीशन को व्यक्त करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। ऑफ किसके, कहाँ पे रहते हैं? ऑफ स्लम एरियाज, जो झोपड़पट्टी होती है ना, तो ऐसे एरियाज में रहते हैं, मतलब क्षेत्रफल में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं। कौन? गरीब बच्चे जो होते हैं, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, उसके बारे में व्यक्त करना चाह रहे हैं। आगे समझिए, दे आर पुअर। वे, दे का मतलब वे, आर हैं, पुअर मतलब गरीब, वे गरीब हैं एंड इलिटरेट, और क्या है? अनपढ़ हैं। इलिटरेट अनपढ़ हैं, जब गरीब हो तो अनपढ़ तो रहेंगे, पैसा होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ओके, सो इसलिए देयर कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, इज़ वेरी मेजरेबल, बहुत ही बुरी है, दयनीय है, बहुत ही मेजरेबली है। मतलब क्या है, देखिए, देयर कंडीशन इज़ वेरी मेजरेबल। मेजरेबल क्या, बहुत बुरी ही कंडीशन है उनकी। अगर समझिए, द पोइट, जो द पोइट मतलब कवि हैं, इज़ वेरी सैड। द पोइट इज़ वेरी सैड, पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्या हैं? दुखी हैं। देखिए, पोइट इज हैं वेरी, बहुत सैड मतलब दुखी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। टू सी देख कर किन को देख कर? देयर पिटिएबल कंडीशन, उनकी दयनीय कंडीशन, की बहुत बुरी कंडीशन को देख कर क्या, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, एंड और बांड्स, वो चाहते हैं, ता है ती है ते है, फिर से आगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ओके, वो चाहते हैं बांड्स मतलब चाहते हैं, डेट की, डेट का मतलब होता है की। ओके, डेट का मतलब कि इट शुड बी चेंज्ड, वो चाहते हैं कि इसे चेंज कर देना चाहिए, जहाँ पे शुड भी आ जाए उसका मतलब पढ़ेंगे चाहिए, इसे बदलना चाहिए, इस कंडीशन को बदलना चाहिए, वो ऐसे चाहते हैं। ओके, आगे समझिए, दे आर फिजिकली वेरी वीक। दे का मतलब वे हैं फिजिकली, शारीरिक रूप से, फिजिकली क्या होता है, शारीरिक रूप से, वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। भाई गरीब बच्चे हैं तो उनको खाना तो मिलेगा नहीं, तो वो शारीरिक रूप से कैसे होंगे, कमज़ोर होंगे, वीक होंगे। ओके, द पोइट हैज़ कंसंट्रेटेड। देखिए, द पोइट जो कवि हैंज़ कंसंट्रेटेड, वह चिंता व्यक्त करते हैं ऑन थीम्स, ऐसे थीम्स पर, ऑफ सोशल इंजस्टिस, देखिए जो सामाजिक अन्याय है, वो उस पर क्या कंसंट्रेटेड हैं, मतलब क्या है, उन पर चिंता व्यक्त करते हैं, मतलब चिंता दिखाते हैं। एंड क्लास इनक्वालिटीज़, और जो क्लास का मतलब होता है वर्ग, और इनक्वालिटीज़ का मतलब होता है क्या, भिन्नता, जो वर्ग में भिन्नता का कारण है, उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में ट्रूली स्लम चिल्ड्रन, वास्तव में जो स्लम चिल्ड्रन है ना, जो स्लम के बच्चे हैं, मतलब क्या झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, मस्ट भी उनको होना चाहिए ट्रीटेड, या उनसे व्यवहार करना चाहिए एज ह्यूमन, एक इंसानों की तरह उनका व्यवहार करना चाहिए, मतलब जैसे कि इंसान होते हैं वैसे वो उनसे व्यवहार करें पब्लिक, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। स्पीकिंग स्लम आर देमसेल्व्स हेल, स्पीकिंग यह बोलते हुए, उन्होंने जो बोला था, ये स्पीकिंग किया था, बोला था, स्लम जो है, स्लम से जो झोपड़पट्टी आर हैं, स्लम्स झोपड़पट्टी आर हैं, ओके, दमचाल वो खुद क्या है, हेल है, हेल का मतलब नर्क, कहते हैं ना गो टू हेल, तो ये वही वाला हेल है, तो वो क्या है, अपने आप में क्या है, नर्क हैं। दमसाल्स का मतलब होता है अपने आप में क्या है, नर्क हैं। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, और आप इसकी हिंदी भी नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इसकी हिंदी भी यहाँ से पढ़ सकते हैं ध्यान से, तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी की सारी इसकी हिंदी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, और आप भी इसकी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स समझने के लिए। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।